किचन का काम अब होगा मिनटों में। किचन के बहुत ज़रूरी टिप्स जरूर सुने। एक, जब भी सब्जी की ग्रेवी बनाएं तो ग्रेवी में पनीर पीस ले, सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। दो, अगर देसी घी को अधिक समय तक ताज़ा रखना है तो उसमें सेंधा नमक या गुड़ मिला दें। तीन, पराठों को टेस्टी बनाने के लिए आटे में उबला हुआ आलू कद्दूकस करके आटे में मिला लें, पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। चार, यदि सब्जी में नमक अधिक पड़ गया हो तो उसमें दही या दूध की मलाई डाल दें, इससे सब्जी में नमक ज़्यादा नहीं लगेगा। पाँच, स्प्राउट्स को अधिक समय तक फ्रेश रखने के लिए उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर फ्रिज में रख दें, स्प्राउट्स ताज़ा रहेंगे। छः, दही से बनी सब्जियों में नमक तभी डालें जब सब्जी में उबाल आ जाए, वरना पहले डालने से सब्जी फट जाएगी। सात, रायता बनाते वक्त नमक नहीं डालना चाहिए, नमक तभी डालें जब रायता सर्व कर रहे हो, वरना रायता खट्टा हो जाएगा। आठ, मिर्च के डिब्बे में अगर थोड़ी सी हींग डाल दें तो मिर्च लंबे समय तक खराब नहीं होगी। नौ, आलू के पराठे बनाते समय आलू के मिश्रण में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देने से पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। 10. मेथी का कड़वापन हटाने के लिए मेथी में थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें, इसके बाद में मेथी की सब्जी बनाएं, सब्जी कड़वी नहीं बनेगी। 11. फूल गोभी को पकाने के बाद उसका कलर चला जाता है तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, गोभी का कलर नहीं जाएगा। 12. हरी मिर्च का डंठल तोड़कर फ्रिज में रखने से हरी मिर्च जल्दी ख़राब नहीं होगी। 13. लहसुन को आप अंधेरे में रखें जिससे लहसुन सूखेगा नहीं। 14. लहसुन को ग्राइंड करते समय उसमें थोड़ा सा तेल व नमक डाल दें और फिर स्टोर कर दें, लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। 15. गुलाब जामुन बनाने के लिए डो तैयार कर रहे हो तब उसमें थोड़ा सा दूध मिला दें, इससे गुलाब जामुन बहुत ही नरम बनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।